ओके तो सबसे पहले सभी को स्पॉइलर वार्निंग। जिसने भी अभी भी ब्लैक एडम मूवी नहीं देखी है तो वो इस वीडियो को छोड़ सकता है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लैक एडम का ऑफिशियली मिड क्रेडिट सीन, कि हमें क्या आने वाले टाइम में फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। और अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इजीली इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। या इसके रक्षक बनो। ब्लैक एडम, इस मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो हमें फाइट सीक्वेंस देखने को मिले, जो एक्शन पैक धमाका देखने को मिला, वो हम डेयर जॉनसन से ही उम्मीद करते हैं। फाइनली उन्होंने इस मूवी को एक फैन मूवमेंट की तरह बनाया, जिससे कि हर एक फैन शुरू से लेके एंडिंग तक अपनी कुर्सी पर बना रहे, और ऐसा ही हुआ। और एंडिंग में हमने देखा एक धमाकेदार मिड क्रेडिट सीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। बट उसके बाद फैंस के मन में बस सबसे बड़ा सवाल था कि आगे क्या। और हमने मिड क्रेडिट सीन में देखा था, अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब करा जाए, कि जब हमारे ब्लैक एडम खानदाक में बैठे हुए थे अपने किले में, और तुरंत ही वहाँ पे एक ड्रोन आता है जो कि होता है अमांडा का, और अमांडा एक्चुअली में सुपर हीरो टीम को असेंबल करने वाली ही बंदी है, जो कि आपको प्रीवियस मूवी डीसी यूनिवर्स में देखने को मिल चुकी होंगी, जैसे कि सुसाइड स्क्वाड है और अब फाइनली ब्लैक एडम। और यहाँ पर अमांडा वार्निंग देती है कि तुम मेरी जेल में तो आओगे नहीं, पर तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तो इसलिए जब तक खानदाक में हो तब तक तुम सुरक्षित हो। तो यहीं पर हमारे ब्लैक एडम भाई साहब कहते हैं एकदम खतरनाक स्टाइल में, कैसा इस दुनिया पे या पृथ्वी पे कोई है ही नहीं जो मुझे रोक सके। और अमांडा बड़ी स्टाइल में कहती हैं कि मैं जिसको भेज रही हूँ इस धरती का है ही नहीं, यानी कि वो भेज रही थी क्रिप्टोनियन, हमारे मैन ऑफ स्टील हेनली कैवल, जो कि सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो फाइनली रिटर्न होते हैं। और यहीं पे फैन मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है, थिएटर में बहुत खतरनाक तरीके से हल्ले मच रहे होते हैं। तो अब इसके आगे क्या, ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन देखने को मिलेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल। तो हाँ, आंसर है यस, हमें आने वाली डीसीज की मूवीज में ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन तो देखने को मिलेगा, और शज़ाम भी आपको देखने को मिलेगा। अब ब्लैक एडम 2 का तो मैं कंफर्मेशन कहूँगा नहीं, क्योंकि ब्लैक एडम 2 आने में बहुत अभी टाइम है, और स्टोरी को वो किस तरीके से खींचेंगे मेरा दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है इसको लेके। पर हाँ, मैन ऑफ स्टील 2 ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि आज का ये कैमियो देखने के बाद, और अभी हाल ही में वॉर्नर वॉर्स मैन ऑफ स्टील 2 के ऊपर काम भी कर रहा है, जिसमें कि मैन ऑफ स्टील के जो पहले वाले प्रोड्यूसर थे चार्ली रोवेन, वो अब मैन ऑफ स्टील 2 में भी काम कर रहे हैं। और 17 मार्च को रिलीज होने वाली है साल 2023 में शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स, तो उसमें भी आपको कैमियो देखने को मिलेगा सुपरमैन का, और शायद वो कैमियो हो सकता है सुपरमैन जाता है बिली बैटसन के पास, और वो उससे पूछेगा कि तुम मैजिकल पावर से, तुम्हें ये शक्तियाँ मिली हैं और मुझे एक बंदे को हराना है जो कि मैजिकल पावर से ही बना हुआ है, तो ऐसे करके शायद उन दोनों में दोस्ती होगी और फिर वो साथ मिलकर ब्लैक एडम से लड़ेंगे। पर मूवी में नोटिस करने वाली सबसे बड़ी बात यही थी कि मूवी के एंडिंग तक ब्लैक एडम को एज हीरो दिखाया खानदाक का, और अब वो खानदाक से बाहर निकलेगा, क्योंकि वो अभी एक तरीके से कह सकते हो एक बच्चे की तरह है, क्योंकि उसको दुनिया के बारे में नहीं पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है और मेरे जैसे कितने लोग हैं। तो वो बाहर तो निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो सुपरमैन उसको रोकने की कोशिश करेगा, जिसमें कि शज़ाम उसकी मदद करेगा, और फाइनली हमें वो मूवमेंट देखने को मिलेगा जिसके लिए हर एक डीसी फैन काफ़ी टाइम से उम्मीद लगाए बैठा है, ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन और बीच में हमारे शज़ाम फिसते हुए। और इसकी एक एनिमेशन मूवी भी आई थी जो कि हम मेरी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो यार, मैं तो लिटरली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और आने वाले टाइम में हमें फ्यूचर में डीसी में जस्टिस लीग, मैन ऑफ स्टील 2, शज़ाम का सेकंड पार्ट तो देखने को मिल ही रहा है, और आने वाले कैमियोज़ तो देखने को मिलने वाले हैं। तो फाइनली इस मिड क्रेडिट सीन से कंफर्म हो जाता है कि ब्लैक एडम का आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और ब्लैक एडम एक सक्सेसफुल मूवी है और फैन इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और इस मूवी से अब डीसी यूनिवर्स और ज़्यादा अच्छा होने लगेगा धीरे धीरे। और आपने नोटिस करा होगा कि शज़ाम की अभी हाल ही में रिलीजिंग डेट को भी चेंज कर दिया गया है, और ब्लैक एडम की सक्सेसफुल के बाद मुझे लगता है कि उसमें दोबारा से थोड़ा री एडिट होगा और दोबारा से न्यू कैमियो जोड़ा जा सकता है ब्लैक एडम सुपरमैन का लड़ता हुआ, होप मैं तो ऐसी ही उम्मीद कर रहा हूँ। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी, और देन उसके साथ ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।